Sir, your mic is mute. म्यूट किसने किया है? हाँ, पता नहीं सर। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड टू मार्क्स, टू क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एमसीक्यू, योर फर्स्ट एमसीक्यू इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, एंड 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, एंड 100 मींस इट इज 10 स्क्वायर। यस सो आंसर योर करेक्ट बताइए। आंसर इज 10। यस देन इन सेकंड क्वेश्चन 9Q, इट इज सिंपल सेवन क्वेश्चन एंड हंड्रेड इट इज ट्वेंटी सिंपल नाइन क्वांटिटी। वेरी 729 सेवन गुड। देन 25 स्क्वायर माइनस सेवन 34 स्क्वायर। आंसर इज सेवन। सो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट 25 स्क्वायर एंड 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर 625 माइनस 24 स्क्वायर 576। इफ यू सबट्रैक्ट 576 फ्रॉम 625, you get 49 as answer, and 49 means 7 square, so your final answer is 7. Okay, Yes. are you get it? Yes, sir. Yes, Okay, sir. then next question. Find the simple interest on 5,000 rupees at 8%, 18% per annum for 2 years. 1800. First, tell me the formula of simple interest. Yes. P RT upon 100. Yes. PRT upon 100. P is principal, R is rate of interest, and T is tenure, time period. Okay? And Yes. if you want to solve this, you get the final answer is, 1800. oh my God, कल आप सबको यही करना है। अभी लेक्चर खत्म किया है इसलिए रह गया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट हैपन, PRT बाय 100, एंड यू नो वेरी वेल P प्रिंसिपल इज 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, एंड टाइम पीरियड 2 इयर्स। गिव एट 100, 2 0 विल बी कट, 50 into 18 to the 36, and 36 5 is 180 and 10. So what is your simple interest? 1800. 1800 rupees. Get it? Yes. Yes, sir. Then next question. Find the square root of 1296. 36. 1296 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? Yes. किया था कैलकुलेटर में, सच बताना। हाँ, गर्ल्स, यस कैलकुलेटर में हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं स्क्वायर रूट 1296 का? हाँ, नहीं नहीं सर क्यों नहीं नो कर सर सकते? मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखो, कैलकुलेटर सर कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया था। मैंने भी ओपन करके लेफ्ट नहीं साइड बॉटम में देखो, सर। यहाँ पे देखो, ये अंडर रूट की साइन है। अंडर रूट की साइन में 1296 लिख दो। 1296 आ गया आंसर, 36। कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं, नहीं मुझे मुझे नहीं पता था। नहीं पता था नहीं पता था सर। क्या बात कर रहे हो?
हम लोग ने तो सॉल्व करके किया सर, मुझे भी नहीं पता था सर, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ओके कोई बात नहीं, चलो। तो 1296 का अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा, तो उसी मेथड से हम फाइंड करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, पेयर बना दिया हमने, 12 से छोटा स्क्वायर किसका है, 3 का, 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 3, 96, एंड 3 प्लस 3 6, एंड 1 एम्प्टी स्पेस। ओके, नाउ द टेबल ऑफ 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, मीन 66 6 जा 6, वी हैव टू फर्स्ट चेक, 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36, एंड 3 3 96, यस। So what is your answer? 36 and 396 minus 396 is 0. Are you getting it? Yes. Very simple, beta. Now to find the coefficient of x in an algebraic expression, 5x square plus 3x minus 5x plus 2. ये question में कुछ नहीं था, फिर भी बहुत सारे गर्ल्स को प्रॉब्लम हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। 5x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी 3x माइनस 5x प्लस 2। मैंने पूछा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो आंसर होगा। तो x के साथ तो 3 भी मल्टीप्लाई में, x के साथ माइनस 5 भी मल्टीप्लाई में, कौन सा आंसर? तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि 3x एंड 5x आर लाइक टर्म्स, सो फर्स्ट वी हैव टू ऐड और सब्सट्रैक्ट देम। सो 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x मींस माइनस 2x प्लस 2। ओके, नाउ यू कैन चेक व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। It is minus 2 and your answer is minus 2x. Are you getting second answer? Yes, sir. Okay. Now FB, fill in blank. Square root of 12.25. Again, same questions. We have to solve with the help of division method. 12.25 means 3.5. Make a pair of this number 12.25. First, 12 means 3, 3 is 9. 3.25. Here I am taking point 6 point. Okay. Now tell me. 6 5s are 30, so it is possible 65 5s are. Okay, 5 5s are 25, 2 5 6 are 30 into 32. Yes, it is possible. Are you getting it? Yes. So, what is your answer? 3.5. Exactly. Now, the next question. 13 plus 15 plus 17 plus 19 is equal to whole cube, blank cube. So first we have to add these four odd numbers. 13 plus 15, it is 28. 28 plus 17, 45. And 45 plus 19, 64. And you know very well, 64 is a cube of 4. So what is the answer? 4. Exactly. 4 cube means 4 is your answer. Okay? Yes, sir. Sir, अपने direct answer लिखेंगे तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, कोई problem नहीं है. It is fill in blank, not solve the following. Sir, तो solve the following में पूरा करने का था? नहीं, इस बार तो सभी objective था. इस बार कोई problem नहीं है.
सो पर मैंने तो फिर लास्ट में वो आपने पूछा था दो सॉल्व द फॉलोइंग, उसमें मैंने जो लास्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया था वो वाला लिख दिया फिर। क्या समझ नहीं आया लास्ट पार्ट में? जो सम का मेरा लास्ट पार्ट था ना कंपाउंड इंटरेस्ट टोटली वो वाला लिख दिया था फिर इसमें। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम थी, ठीक है? तो इसमें खाली आप फाइनल आंसर लिखोगे फिर भी चलेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? कौन बोल रहा था अभी वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला? कौन कौन है? है? सकीना। यस सर। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पेट्रोल प्राइस राइज 5% इफ द न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल 84 रुपीज, देन फाइंड द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर राइज। वी हैव टू फाइंड ओरिजिनल प्राइस, वी आर गिवन दैट द न्यू प्राइस। ओके नाउ सी हियर, 5% इंक्रीज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, तो न्यू प्राइस कितनी हो गई? 105, और वो कितने रुपीस है? 84 रुपीस है, ये है परसेंटेज, 5% इंक्रीज हुई प्राइस। ओके नाउ ओल्ड प्राइस कितनी हो गई? 1 मिनट, सर आंसर 105% वो न्यू प्राइस है, तो न्यू प्राइस रुपीस में कितनी है? 84 रुपीस। ओके इफ ओरिजिनल प्राइस इज 100% देन वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इन रुपीस, सो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 84 × 100 डिवाइड बाय 105। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 25 is 100 एंड 21 5 is 105। Now 21 4 is 84, so what is your answer? 24 is 80 rupees is the original price of petrol before price rise. Are you got it? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर 80 रुपीज है हाँ ना आंसर? हाँ 80 रुपीज है ना आंसर? हाँ 80 रुपीज नोट तो दिया मैंने, देख। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सबट्रैक्ट 5x+4 फ्रॉम 7x² - 4x - 3। वी हैव टू सबट्रैक्ट 5x+4 फ्रॉम 7x² - 2x - 3। सो 7x² - 4x - 3 सबस्ट्रैक्ट 5x+4, और अगर सबस्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगी, और तो क्या करेंगे हम, ठीक है कि नहीं? हो जाएगी ना यस साइन चेंज, हो जाएगी गर्ल्स? टू यस सर। व्हाट? गर्ल्स, क्या सर? अगर सबस्ट्रैक्ट करना है तो दोनों के साइन हम चेंज कर देंगे कि नहीं? हाँ यस सर। ठीक है, चलो नहीं करना है सब्सट्रैक्ट, मान लो कि ये ऐसे रहने दो। अब सब्सट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन करते हैं कि नहीं? सब्सट्रैक्ट करने के लिए यस नेगेटिव नेगेटिव। साइन कर दीजिए, सो -3 - 4 - 7 - 4x - -5x - 9x - 7x². सो व्हाट इज योर आंसर? 7x² - 9x - 7। आर यू गेट इट?
आर यू गेट इट? यस यस प्लीज गिव मी रिप्लाई. देन लास्ट फिल इन ब्लैंक, मल्टीप्लाई 5y-3 into 2y+5. It is binomial into binomial, right? Yes. So the answer is 10y. 5y-3 and 2y+5. Step by step, we have to solve this. First, split the first bracket. Then write down the second bracket. Now, split the second bracket. So 2y, 5y into 5, minus 3 into 2y, and minus 3 into 5. Now multiply this only thing. 5 to the 10y square, plus 5y is the 25y, minus 3 to the 6y, minus 3y is the 15. Okay, now we have to add or subtract like terms. So 25 minus 6, 19y minus 15. It is your correct answer. Yes. Okay. Okay, now most interesting topic, true and false. Okay. सभी ट्रू एंड फोर्स आपके दिवाली होमवर्क के ही है ना? सही ना? नहीं सर. यस सर. एक एक अलग से क्लास सर. इफ यू वांट टू फाइंड सर, उसमें क्या आता है? अरे रुक, बता रहा हूँ. सभी ट्रू एंड फोर्स आपके दिवाली होमवर्क के ही है, लेकिन क्या किया मैंने, वर्ड चेंज कर दिए. यस. मान लो कि फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स जो है आपकी, इफ यू वांट टू फाइंड स्क्वायर यू मस्ट हैव टू ऐड एन ओड नंबर. इट इज ट्रू. ट्रू. यस ट्रू. दिवाली होमवर्क में दिया था एन इवन नंबर. सो इन दैट इट वाज फॉल्स. एग्जैक्टली. बट हियर वी हैव टू ऐड एन ओड नंबर एंड इट इज ट्रू. यस सर. वन सेकंड क्वेश्चन. The cube of single digit number may be a single digit number. It is true. It is true. Sir, how but? रुक तो सही मैं बता रहा हूँ. Oh yeah, maybe. Sir, it is may. Here it is may. And you told that if must is there, then false will come. So I wrote true. Yeah, ये answer इसका true है. मैं समझा रहा हूँ कैसे. सुनो तो सही पहले. मस्ट का मतलब क्या होता है कि द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मस्ट बी अ सिंगल डिजिट नंबर. तो जब भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के क्यूब करेंगे और आंसर सिंगल डिजिट में ही आए तब मस्ट हम अप्लाई करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 2 डिजिट हो गए. और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 3 डिजिट हो गया. तो ये मे लगेगा. पॉसिबल है. हाँ पॉसिबल है कि 1 और 2 का क्यूब सिंगल डिजिट में ही आए, लेकिन 3 4 5 6 7 8 9 इसके क्यूब सिंगल डिजिट में नहीं आए. तो अगर मे लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट करेक्ट है, और मस्ट लिखा है तो स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो आपने लिखा था मस्ट, सो वहां पे आंसर होगा आपका फोर्स. यहाँ पे लिखा है मे, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू. ट्रू. बोल कौन है सकिन? अब मेरे मार्क्स चले गए सर, लेकिन मेरा एक भी सर, मेरे 2 मार्क्स अभी तक गए हैं. मेरे भी 2 गए, पहला ट्रू ऑफ फॉल्स और सेकंड ट्रू ऑफ फॉल्स. नहीं मेरा नहीं तो राइट था ट्रू, वो तो मुझे याद था कि हाँ ये ऑड है. तो सर मेरा 2 MCQ है. मैंने आपको यहाँ तक देखो रुको सर, आपने आपने जब जब पेपर म्यूट योर माइक प्लीज लिसन फर्स्ट मी प्लीज लिसन
जब हम दिवाली वेकेशन के बाद में मिले तब सभी लेक्चर में मैंने आपको ये बात बोली थी कि दिवाली वेकेशन का जो होमवर्क है उसको अच्छे से रिवाइज करना, उसमें से कुछ नहीं होगा लेकिन बेस पूरा दिवाली होमवर्क ही है। ये जो मेरा इशारा था ना, ये इशारा आप नहीं समझ पा रहे, अगर समझ गई होती तो मस्ट और मे खाली वर्ड चेंज हुआ है, समझ जाती। सर सर आपने जब पेपर सॉल्व करवा रहे थे ना तब भी आपने बोला कि देखो अगर इसमें मे आएगा तो इसमें ट्रू आएगा, अगर मस्ट आएगा तो फॉल्स आएगा। हाँ तो सही है ना। यस तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बोल ले लिशा क्या बता रही थी तू। मैं क्या कुछ बता रही थी, कौन एन बता रही थी सर? कौन है? यस कौन है बता। मैं कुछ नहीं बता रही थी सर, मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी। बोल रही थी नहीं, क्या बोल रही? मेरे दो रॉन्ग गए ऐसा बोल रही थी सर, मेरे भी दो रॉन्ग। यस एग्जैक्टली, अब तक मेरे भी दो रॉन्ग सर। कोई बात नहीं, चलो चलता है। अब तो बात खुले ही जाने वाले पूरे। ठीक है चलो। Then third true and false, there is no perfect cube which end with 2, 3, 7 and 8. It is true false. Or false? True भी true आएगा पर मैंने false लिख डाला। There is no perfect cube. एक भी perfect cube नहीं है जो 2, 3, 7 और 8 से end करे। ये sentence गलत है, false है। अगर किसी का एंड नंबर है तो वो परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। समझ में आई बात? यस सर। एक एक एग्जांपल दे दो, मान लो कि टू क्यूब करेंगे तो एट आएगा ना, तो वो एट क्या है आंसर। थ्री क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, तो वो सेवन से एंड कर रहा है। फिर सेवन क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, वो थ्री से एंड करता है। और एट क्यूब करेंगे तो 512 आएगा जो टू से एंड करता है। तो 2, 3, 7, 8 से एंड करता है उसे परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। आर यू गेट इट? Yes, sir. ठीक है चलो, कौन सा कि ना एक राइट हो गया ना तेरा सर। यस सर, मैंने भी फॉल्स ही लिखा है सर, मैंने भी फॉल्स लिखा है। ठीक है चलो, तो फॉल्स लिखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दो मार्क्स चले गए सर। मेरे भी दो गए, अभी आगे देखते हैं सर क्या होता है। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल 1 year time period. It is true, absolutely true. Yes. Compound interest जो होता है वो एक साल के बाद में increase होना start होता है। एक साल तक simple interest और compound interest दोनों equal होते हैं, ठीक है? So it is true. ये question complete इसमें कोई change में नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने directly as it is रख दिया as per दिवाली homework. ओके सर, ये लास्ट में क्या आंसर आएगा, ट्रू और फॉल्स? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर यूजिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, इट इज फॉल्स। यस सर मैंने भी वही लिखा। आइडेंटिटीज क्या है सबसे पहले मुझे कोई ये बताओ, खाली आप लिखेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये होगी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या है बाइनोमियल, ये क्या है ये भी बाइनोमियल, तो ये किसके मल्टीप्लाई के लिए यूज होती है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल के, सही है कि नहीं? दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी, तो ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल। फिर मान लो कि ए माइनस बी ए प्लस बी थर्ड आइडेंटिटी आपके पास, तो ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। और लास्ट में आपके पास है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये बाइनोमियल और ये भी बाइनोमियल, तो किसके मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है?
किसके मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, बाइनोमियल। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, तो ये तो नहीं चलेगा, ये हो गया फॉल्स। ओके ठीक है, चलो सर आंसर इज 18। सर आंसर इज 18। Find the cube root of 5832 using prime factor problem method. Okay. Sir. हाँ मैंने prime factorization method नहीं दिखाया, means उसका जो 2 into 2 into है ना वो वाला ही सिर्फ दिखाया है, क्योंकि इसमें prime factor कोई बात कोई बात तो सिर्फ factor ही लिखा है। मैंने भी मैंने answer नहीं लिखा सर, आपने बोला था long answer का काम है और किसी चीज का काम नहीं है सर। सो आई रो लॉन्ग क्या? ओए ओए ओए, ये क्या हो गया सब कुछ? सर आपको ब्लैक कलर का रखना चाहिए ना। नहीं, मुझे कलर चेंज करने अच्छा लगता है, तो मैं चेंज कर देता हूँ सब कुछ। सर टाइम ही है, कुछ समझ ही नहीं आता। वही ना, ये राइटिंग नहीं चलेगा सर। मुझे समझ में आ रहा है सर, मुझे अरे सर मुझे समझ में आ रहा था उसके राइटिंग नहीं है इसलिए सर। प्लेफुल सही है। चलो सर अगले टाइम एकदम डिजाइन वाला मस्त रखना, यू नो। चार नहीं है, नहीं तो बेसिक है, फॉर्मल करेंगे तो फॉर्मल में तो कुछ मजा नहीं आएगा आपको। नहीं सर मत करना ये सब, ठीक है। चलो तो क्यूब रूट आप सबको पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। और थ्री थ्री की हमको पैर बनानी है, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आप समझ लेना। आंसर इज 18। हाँ 18 लिखा हुआ है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मेथड दिखाई है नहीं दिखाई उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ तो सर मेथड दिखाई तो मार्क्स उसके तो मिल जाएंगे ना। मैथड के मार्क्स की जरूरत नहीं है, 18 आंसर लिखा है ना, बस उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके सर। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सर इसमें मैंने सिर्फ टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो वाला ही सिर्फ लिखा है पैरा, तो चलेगा ना? नहीं, अमाउंट भी तो लिखनी है हमको। हाँ मीन्स उसमें अमाउंट आ गई ना, अमाउंट माइनस पी ए माइनस पी, फिर उसका नीचे कैलकुलेट किया। सर मैंने सिर्फ अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट लिखे हैं। आपको 2 आंसर लिखने थे, अमाउंट भी लिखनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिखना था, ठीक है। तो क्या देखो यहाँ पे पी इज इक्वल टू दिया है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और नंबर ऑफ ईयर है 3 एंड कंपाउंडेड एनुअली है, तो कितनी बार इंटरेस्ट काउंट होगा? 3 टाइम्स। ओके नाउ पुट दिस ऑल द वैल्यू इन अवर फॉर्मूला, पी 1 + R/100 रेस टू एन पावर, पी की वैल्यू है 12,000, 1 + 10/100 रेस टू 3 पावर, 10 कट, 12,000 प्लस 1/10 रेस टू 3 पावर। Make mic is unmute. Please mute your mic. Please mute your mic. 10 + 10 + 1 = 11 divided by 10 all cube. And what is the meaning of cube? We have to multiply this number as 3 times. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cut. So 12 into 11 into 11 into 11. 12 elevens are 132 and 11 elevens are 125. Now multiply this to, oh my god, कौन multiply करे इतना बड़ा? ठीक है चलिए इसी इसमें कर लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा? 15 9 17 2 सब देख रहे हैं सर। क्या बात कर रही है, कैसे दिख रहा है? 9 17 2 दिख रहा है सब कुछ?
मैंने कैलकुलेटर में अभी वर्क कर लिया हो। यस सर, सबको दिखा दिया। 972 देखो ये जो आपको मिला है ना 15,972, ये अमाउंट मिली। क्या मिली? तो एक तो आपको ये आंसर लिखना था कि भाई अमाउंट जो है वो है 15,972। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना था, माइनस प्रिंसिपल 12,000 रुपीस को माइनस कर देते। मैंने ऐसे ही किया है तो चलेगा ना, उसका अमाउंट आ गई। पर क्या किया ऐसे? मीन्स जो कंपाउंड टोटल टोटल कंपाउंड एनुअली किया ना मैंने, इसमें यही किया है ए माइनस पी, सो अमाउंट माइनस। सर मैंने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा था। ये दोनों आंसर अगर आपने लिखा हुआ है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, एक आंसर नहीं लिखा है तो 1.5 मार्क्स मिलेगा। यार पर इसमें आ गए तो सर ऐसा ही यार। सर ए पर सर सर आपने बोला था फाइन अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों लिखना था। मैंने दोनों पर बोल रहा हूँ मैं सर, इसमें आ गए तो खाली टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग करेंगे। मैंने तो ये भी नहीं लिखा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मैंने तो सिर्फ आंसर लिख दिया था। सर मैंने दोनों लिखा था, मैंने मैंने अमाउंट भी लिखी थी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिखा था, लेकिन अमाउंट पहले लिखी थी और कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में लिखा था। चलो मैं देख लेता हूँ, अभी तो किसी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, ठीक है अभी तक तो कुछ चेक नहीं किया है। सर मेरे 2 रॉन्ग हुए। कौन से 2 रॉन्ग हुए? सर एक वो 1800 वाला, उसमें मैंने 1200 लिखा था, और एक सर एक वो लास्ट एमसीक्यू वाला। सर यार अभी 2 मार्क्स दे देना ना यार, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने माइनस प्रॉफिट। सर आप ऐसे नहीं दे सकते हो सर, ये तो चीटिंग है। आपने बोला था फाइन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, तो दोनों फाइन करने थे। हाँ तो देख उसमें ए माइनस पी है तो अमाउंट आ गया ना, जो हम लोग को टोटल मिला था टोटल आया वो लिखना था। नहीं उसमें आगे ऐसे की ना यार।